So, hey guys, what's up everyone? Welcome back to my channel. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंड अप कॉमेडीज. ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट लेके आया था तो जिसको आपने काफी ज्यादा प्यार दिया था और आप लोगों ने कमेंट किए थे कि सेकंड पार्ट लेके आओ अजय अरोड़ा के साथ. What? मुझे एक भी कमेंट दिखा दे भाई वैसा. ठीक है, अब तो अपनी फेक आईडियो से जाके कमेंट करेगा तो अच्छी बात नहीं है. तो गाइज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, लेकिन अकेले नहीं देखेंगे स्टैंड अप कॉमेडीज. आज मैं मेरे दोस्त के साथ देखने वाला हूँ. दे दिया है मैंने पहले ही कि मैं आ गया हूँ. एडिटिंग तो मैंने ही कर दी है. तो जैसे कि आज हमारे साथ अजय अरोड़ा भी है. तो कैसा नाम है ना अजय अरोड़ा? बहुत अच्छा सेक्सी नाम है भाई. कोई कोई ऐसे बोलता है जल्दी जल्दी में? ओए भाई तो कूटेगा मेरे हाथ से, बता रहा हूँ. बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अजय क्या बोलता हूं तो मैं हर वीडियो में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अजय अरोड़ा के चैनल को. हक दिया भाई तू कभी अपने से ऊपर उठेगा भी नहीं क्या? डोंट टेल मी तुमने आज से पहले कोनी वर्ड सुना नहीं था. सुना था? आप क्या बोलते हो इसको वैसे? रिस्ट? रिस्ट? Oh? जरा मुझे एक रिस्ट बैंड पहनाएगा. ये रिस्ट है तो ये क्या है सर? ये आम है. ये आम है, ये क्या है? कोनी है, कोनी. भाई भाई तेरा शरीर दिखा मुझे तो पहले यार. यार नहीं जेन्युइनली बताओ अभी. रिस्ट, रिस्ट क्या है? ये रिस्ट है आपका. ये आम है, ये रिस्ट है. गुड. ये क्या कर रहा है मेरे को? तू कभी ऐसे मत पहुंचियो जाके ना, आगे आगे तो मत ही बैठ जाना. ठीक है, कभी स्टैंड अप कॉमेडी में नहीं बैठना चाहिए, पीछे बैठना चाहिए, पीछे लास्ट में बैक बेंच. भाई लोग एक्चुअल में आगे बैठने के पैसे देते हैं भाई, वो अपनी देने के पैसे दे रहे हैं इसमें. क्या मार्च उधर है सच्ची में? उन्हें पता है ना पीछे पीछे जाके बैठेंगे तो हमारी कोई लेगा भी नहीं, अब हम ऐसे स्पॉटलाइट में कैसे आएंगे, तो इसलिए वो आगे बैठ. भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता. देखो गाइस अभी तक तो हम कभी गए नहीं है कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो में, बट इन केस कभी हम दोनों जाएंगे तो मैं भाई इसकी तो आगे आगे वाली टिकट करवाऊंगा. मैं इसको देखना चाहता हूँ जलील होते हुए. तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई. अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है. मैंने देखा है जो कंपनी में सबसे जूनियर एम्प्लॉइज होते हैं सबसे कम तनख्वाह वाले, इनको सब टॉप मैनेजमेंट की सैलरी पता है. इनको सब पता है सीईओ सीएफओ कितना कमा रहे. सच में इनका फेवरेट पास टाइम यही होता है. ये लोग डिस्कस करते बैठ के, भाई तुझे पता है ये सीईओ ये साल का 4 करोड़ ले रहा है. और पता है ये लोग इनका इतना टाइम होता है, फिर ये लोग फुल सीईओ की सैलरी का ब्रेकअप करते यार, मंथ बाय मंथ ब्रेकअप कर देंगे कि भाई साल का 4 करोड़ ले रहा है, इस हिसाब से ना महीने का 30-35 लाख लेता होगा इन हैंड. इन हैंड पता है कितना होता है? इतने में ना वो हर महीने खोपोली में एक नया 1BHK खरीद सकता है. अपन भी तो ऐसी बात करते हैं ना फोन पे. मैं यही बोल रहा था, मैं यही बोल रहा था हाँ कि फलाना यूट्यूबर इतना ले रहा है. गाइज हम रात को सोने से पहले टू बी ऑनेस्ट हम सबके बारे में ना पूरी डिटेल रखते हैं कि भाई ये आज के टाइम पे कितना कमा रहा होगा. भाई पूरा पूरा कैलकुलेट करते हैं हम बैक बिचिंग. लाइक माय मॉम इज वेरी कंजर्वेटिव, तो उनको लगता है ना बालों लंबे करना लड़कियों का काम है, लड़के नहीं करते ये सब. सो वंस आई आस्क्ड माय मॉम, मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ थोड़े बाल लंबे कर लूँ यहाँ यहाँ तक ना. कह रही हाँ हाँ लंबे कर लो, साड़ी पहन लो, सड़क पे नाच लो. घर में थोड़े पैसे आएंगे, बाल लंबे कर लो. बिल्कुल जेन्युइन है क्योंकि मैं छोटा होता ना, मेरे को ऐसे बड़ा शौक होता था भाई कि ना बाल लंबे करने हैं. मैं बोलता था ना मतलब थोड़े से लंबे अपना होते थे मैं कि भाई आज तो लंबे हो रहे, लंबे हो रहे. भाई मेरे पापा आते थे कि कटवा दे इनको जल्दी जल्दी, वरना घर पे मत घुस जाइयो. आंसू भाई उनको फीलिंग आने लग जाती थी यार कि उन्होंने एक प्यारी सी बेटी पैदा करी है. बहुत सारे फैन थे, उन्हीं फैन में से एक लड़की आई और जॉन अब्राहम के ऊपर कूद गई कि ओ जॉन तू चाहिए मुझे, तू चाहिए. क्या डोला है जॉन? तब उस बंदे ने आर्टिकल लिख दिया, इफ अ मैन वुड हैव डन दैट टू अ वुमन वुड द सोसाइटी एक्सेप्टेड इन द सेम वे? व्हाई कांट मेन डू दैट? हैशटैग मेन आर ह्यूमन टू. यस सुनिए आपने बात उस ये पूछे व्हाई कांट मेन डू दैट, मतलब इसको राइट भी मोलेस्टेशन का चाहिए. ये नहीं कि लड़की ने गलत किया, ये कि हमारे जो बात करो कुछ
सही था ये, बहुत सही था। हमें भी चाहिए गाइस ये वाला टाइम। yes. कब तक हम डरते रहे, हमें भी तो हक चाहिए ना कि कोई सड़क पे जा रहा है हमें अच्छा लगे। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई अगले जन्म में भाई अजय तू ना लड़की बनना, ठीक है? ताकि मैं तेरे को ना ऐसे झपट पाऊं, ठीक है, बिना किसी डर के। मैं दिल्ली में गाड़ी लेकर निकला हूँ, मेरी चेकिंग होनी ही होनी है। दे आर स्टॉपिंग पीपल रैंडमली, और रैंडम में मैं हमेशा पकड़ा जा रहा हूँ। मेरे वो सड़क पे मेले ही खड़े, ओ पाजी आ रहे, पाजी आ रहे, पाजी आ रहे, पाजी आ रहे, पाजी आ रहे। And my thing is, whenever I'm driving, I'm always sober. I never drink when I drive. So, अभी I have started playing with their mind. So, whenever I see a barricade, I start doing two, three things. पहली चीज, मैं खोलता हूँ गाड़ी के शीशे। फिर ऊंची आवाज में सबसे फुकरा गाना। फिर जाता हाथ और मुंडी बाहर, ये मैन कम ऑन आहा। ओहो पिंड पे सारा गैंगलैंड बने। ओहो लक्ष्मी चल के आ रही है, चल के आ रही है। सर फूक मारो, कुछ नहीं मिला। हाहा उनके चेहरे पे 150 के नुकसान की फीलिंग भाई साहब, प्राइस। अरे तेरे साथ भी तो हुआ था एक बार ऐसा, जब तू ड्रिंक एंड ड्राइव में फंसा था ना एक बार। भाई मैं ड्रिंक नहीं करता, ठीक है? मैं एक ही टाइप का नशा करता हूँ, और वो नशा करता हूँ मैं लड़कियों की आंखों। पता था मुझे लड़कियों का, इसकी इस दिन सुबह शाम इसकी लड़कियों पे शुरू होती है, लड़कियों पे खत्म हो जाती है भाई। आंखों से बोला मैंने, ठीक है? इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। आ तो लड़कियां ही रही है ना, हमारी आंखों का नशा क्यों नहीं कर रहा तू? अच्छी यार तू, चला आगे। क्या करते तुम बीच में बोलने के अलावा? क्या करते भाई तुम? प्लस में तू ऐसा बात सुन मेरी। मैं 12th में ना 14 साल पहले था। तेरी बोल बात नहीं। गजब। मेरे को जानवर बहुत पसंद है, तो मैंने ये नेट जियो डिस्कवरी देखा। तुमने देखा है नेट जियो डिस्कवरी? एक कैमरा मैन रहता है, गोश्त रहता है, दोनों अमेज़न के जंगलों में घूमते हैं। जो कैमरा मैन रहता है उसका हमेशा जॉन रहता है, वो इंग्लिश में बात करते हैं, हमें हिंदी डबिंग सुनाई देता है। हमेशा उसको बोल रहा था ना, हे जॉन, क्या तुम वहां देख सकते हो? उन झाड़ियों में ग्रासो वाइपर सांप है, अक्सर इस सांप के काटने से इंसान की मौत 10 सेकंड में हो जाती है। जॉन कह रहा बैचर निकलता है ना, फिर 10 सेकंड मेरा कैमरा नहीं बंद होता। तुमने जितने भी हॉलीवुड मूवीज देखी होगी, सब ऐसे डबिंग करते हैं ना। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? नहीं, मैं जॉन के साथ जा रही, तुम रहो। मुझे क्या आदत लगी थी यार, मैं बाहर जाके मोमोज वाले करो, जॉन क्या तुम मुझे पनीर मोमोज खिलाओगे? गाइज टू बी ऑनेस्ट, देखो मैं तो हॉलीवुड मूवीज होती है मैं उनको इंग्लिश में देखता हूँ, अजय हमारा जो है वो डबिंग करके हिंदी में देखते हैं, तो मैं अजय पूछना चाहता हूँ क्या बोलते हैं लाइक ऐसा? भाई मतलब ना उसमें फील आता है, इंडियन वाला फील आता है भाई, जैसे मैं साउथ की मूवी देख रहा हूँ वैसा फील आता है, बॉलीवुड वाला भी नहीं आता पूरा। अरे कहना क्या चाहते हो? किसी लड़की ने बोला उसको मूवी में कि हे जॉन आई डोंट गिव अ फक टू यू, तो इसमें क्या बोलती है हिंदी में? मैं सुनना चाहता हूँ भाई, वो कुछ नहीं बोलती, ठीक है? तो आगे चल। जैसे हर लड़की की जिंदगी में एक लड़का होता है जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बेइंतहा मोहब्बत, पर वो उसको फ्रेंड जोन कर देती है और पूरा दिन रोती रहती है कि मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता यार। I'm so single, मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैं 3-4 लड़कियों की लाइफ में हूँ, तीनों चारों को, और तू चारों लड़कियों की लाइफ में फ्रेंड जोन बन के रह गया भाई। हाँ मैं अभी प्रेजेंटली चल रहा हूँ, मैं चारों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ पता है, और तू फ्रेंड जोन बन के रह गया ना, प्यार का मतलब क्या हुआ फिर तेरा? भाई मैं तो चारों से करता हूँ ना, मेरे तो चारों से इकट्ठी शादी करवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई तेरा कोई दीन मान धर्म है या नहीं?
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार एक्चुअली यहाँ पे दिल्ली में देखोगे ना नाम बड़े फैंसी फैंसी है. मेरा एक दोस्त है, है? उसके बाप ने उसका नाम दीमक रखा हुआ दीमक अंकल ये कैसा नाम हुआ? कह रहा बेटा आपको नहीं पता, जब से पैदा हुआ है खा रहा है हमको और वो इतना गुस्से वाला है, मेरा दोस्त इतना गुस्से वाला है कि दो लोग लड़ रहे होते हैं ना, एक को जानता है, जिसको नहीं जानता उसको बिना सोचे मारने लगता है क्योंकि ये वाला दोस्त है उसका, विच इज वेरी वियर्ड. मैंने एक्सपीरियंस करी ये चीज. मेरे घर के बाहर एक आदमी से मेरी बहस हो रही थी और ये आया मुझे कह रहा है अरे हर्ष तुझे तो मैं जानता हूँ, इसे नहीं जानता. चोर 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 चोर. और मैं रोक भी रहा हूँ कि रुक जा, तेरा दिमाग खराब है, पागल हो गया क्या है? कह रहा नहीं तू मेरा दोस्त है. मैंने कहा वो मेरा बाप है पागल. बाप बेटे में बहस नहीं हो सकती. कह रहा वो तो ठीक है लेकिन तूने मुझे 20 सेकंड बाद क्यों रोकना शुरू किया? 20 सेकंड बाद मजा आया. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. आई दैट्स इट फॉर टुडे. भाई मैं बोल रहा हूं ना. हां ये कर लो पहले. भैया तो मेरे को बोल ले, तू बोल ले, तू बोल ले भाई, तू बोल ले. नहीं नहीं तू नहीं, कोई बोल ना, तू बोल ले भाई. नहीं तू बोल ले गाइस. इसका ना चौथा टेक था पता है आपको. तो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अर्चित वर्मा लाइव को. और अगर मेरी परफॉर्मेंस भी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे वाले को भी कर देना. अगर आपने इस वीडियो पे कर दिए 30K लाइक्स तो मैं अजय को स्टैंड अप कॉमेडी शो में लेके जाऊंगा खुद से और आगे आगे अपनी सीट पे जाके बिठाऊंगा. भाई ने बोला करने का तो करने का.